इतना अनाज फ्री पहुंचा रहे हैं, खाली अनाज ही खाएगा बंदा? तेल, साबुन, खाने पीने का और सामान, राशन, चीनी, चाय पत्ती, ये कहाँ से आएगा? खाली गेहूं और चावल ही चाहेगा क्या? सिलेंडर इतना महंगा, बेचारा गरीब क्या लेके खाएगा? पारकों में चुभने जाएगा। हम आजाद कॉलोनी में, मोहम्मदपुर आजाद बस्ती, मोहम्मदपुर आर के पुरम एरिया में, कांग्रेस भी है, मायावती भी है जी जी, और ओवैसी जी भी गठबंधन करके इस बार मैदान में जी जी जी। तो इस बार निगम का किंग कौन होगा? देखो, जो निगम का किंग होगा, बीजेपी तो बड़ी डकैत है, और जो अरविंद केजरीवाल है वो उसकी बी पार्टी है। अब ये तो जनता ही फैसला करे, वोट कौन सा किसको दे रहा है, कितना मत, और जो वोट का समीकरण है वो जातिगत है। जो मुस्लिम भाई है हमारा वो आप पार्टी पर जाएगा, और जो दल्ले हैं वो बीजेपी में जा ही रहे हैं, बस इतना ही कह सकता हूँ। कांग्रेस पुरानी पार्टी है, मेन पार्टी है, उसने देश बचाया है, ये तो बेकार की बात करती है बाकी पार्टी। तो उसके करीब 15% में कांग्रेस है दिल्ली अभी। मायावती के मैदान में उतरने से कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, बहन जी के उतरने से मैदान में सिंगल इतना फर्क पड़ेगा कि जो 2% मतदाता है वो कांग्रेस से हटकर आप पार्टी में चला गया। अच्छा, ओवैसी भी है इस बार? ओवैसी भी आप पार्टी में ही जाएंगे, क्योंकि वो भी ओवैसी का हिसाब भी बीजेपी की सीटी में हो चुके हैं। चुनावों को देखते हुए जो पिछले मतगणना के चुनाव नतीजे आए हैं उनमें जो ओवैसी भाई साहब हैं वो भी बीजेपी की ही बी टीम है एक तरीके की, क्योंकि वो भी वही काम कर रहे हैं जो बीजेपी चाहती है अंदर खाने। और बताइए, तो बी टीम हो गई केजरीवाल, सी टीम, सी टीम ओवैसी, ओवैसी। अच्छा, अभी जो डी टीम हो, डी टीम, हाँ डी टीम हो गई जी। तो मतलब ज्यादा समीकरण आपको, समीकरण जो टकराव होगा, मतों का जो टकराव होगा, मतों का टकराव सिंगल बीजेपी का और आप पार्टी का होगा। कांग्रेस साइड में है, बहन जी 2% वोट लेंगी, बाकी किसी पार्टी का कोई टकराव नहीं दिल्ली में। अभी हाल फिलहाल में जो पार्षद यहाँ के जो जी जी भगत सिंह कोकस थे, हाँ हाँ हाँ, तो क्या उन्होंने कुछ कहा? उनकी जो बोली है वो 10 लाख में लगी है टिकट के, अब वो 10 लाख देंगे टिकट मिलेगा, उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। बीजेपी जो टिकट दे रही है वो करीब 20 और 25 लाख के बीच में दे रही है, जो कांग्रेस टिकट दे रही है वो 5 लाख के करीब में दे रही है। बहन जी फ्री में दे रही है, ओबीसी जी फ्री में दे रहे हैं। मायावती पर तो आरोप लगता रहा है? नहीं नहीं, वो दिल्ली के चुनाव में उनको कोई भी आरोप हो, लेकिन फिलहाल वो कोई एक नया पैसा नहीं ले रही, ना वो इस स्थिति में है। कांग्रेस पैसा कहीं कहीं ले रही है, यहाँ कांग्रेस को ये चमक रहा कि बिल्कुल ही खत्म हम हो रहे हैं, या पार्टी खत्म हो रही है, या ये पूंजीपति पार्टी ऐसा खींच लो, तो वहां पर या जहां बीजेपी के लोग कांग्रेस में हो चुके हैं वो सिंगल पैसे ले रहे हैं, बाकी कांग्रेस फ्री में समर्थन दे रही है। अच्छा, ये जो नाम जो बदला गया है जी, मोहम्मदपुर से माधवपुरम हो गया जी, तो उसका भी कुछ चुनाव पर फर्क पड़ेगा? ये लोगों की गंदी सोच है, सब एक माँ बाप की संतान है, नाम बदलने से सोच नहीं बदल जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दुष्यंत सिंह, पूर्व प्रधान उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश किस जनपद? डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। बुलंदशहर, बुलंदशहर। किसकी सरकार बननी चाहिए निगम में? क्या काम अच्छा करे वैसे बनना चाहिए। तो अभी तत्काल भगत सिंह टोकस यहाँ से थे, भाजपा से, तो उन्होंने काम नहीं किया है कुछ? क्या काम क्या है ये तो मोहम्मदपुर वाले बताएंगे, क्या काम क्या जाना चाहिए। आप अपनी बात बताइए, वो तो बता चुके हैं। हमारी नजर में ऐसा कोई क्या होना चाहिए, अगर कोई भी सरकार अगर बने तो आप लोगों को क्या चाहिए सरकार से? सरकार को क्या चाहिए, जनता से क्या चाहिए? सहूलियत, सब पहले तो महंगाई कम करें, सबसे ज्यादा महंगाई हो रही है, भूखा मर रहा है, आम जनता भूखा मर रही है। 80 करोड़ लोग हैं, भूखे मर रहे हैं। मोदी जी तो कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम अनाज फ्री घर पहुंचा रहे हैं, माना अनाज फ्री पहुंचा रहे हैं, खाली अनाज ही खाएगा बंदा? तेल, साबुन, खाने पीने का और सामान, राशन, चीनी, चाय पत्ती, ये कहाँ से आएगा? खाली गेहूं और चावल ही चाहेगा क्या, ये बताइए आप। और चीजें भी तो, टमाटर, प्याज 80 रुपए किलो हो रही है, टमाटर 80 रुपए किलो हो रहे, गोभी 80 रुपए किलो हो रही है,
भिंडी 80 रुपए किलो हो रही, क्या खाएगा बंदा? आलू आलू जो 10 रुपए किलो 5 रुपए किलो मिलता था, आज 60 रुपए किलो 50 रुपए किलो आलू हो रही है, क्या खाएगा बंदा बताओ? तो ये चीज कम होनी चाहिए। जो फैमिली में बंदे रह रहे हैं, जो औरत इतने संघर्ष कर रही है, उसके उससे पूछो कि वो औरत घर कैसे चला रही है। एक बंदा कमाने वाला, चार खाने वाले, कैसे घर का गुजारा होगा, कैसे चलेगा घर, ये बताओ। बच्चों की फीस इतनी महंगी हो रही, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई होती है तो फीस दो। केजरीवाल जी तो कहते हैं जो सरकारी स्कूल में हमने बहुत अच्छा किया, मानते हैं बहुत अच्छा किया है उन्होंने, लेकिन जो पढ़ाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। 9th 10th वालों को देखो क्लासें खाली है, 6th 7th वालों को देखो क्लासें खाली, इतनी पढ़ाई नहीं हो रही। बच्चों को लगाओ तो ट्यूशन लगाओ, जो बच्चा चल रहा है। गवर्नमेंट स्कूल ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हर बार का टीचर्स मौजूद हो, बच्चे की पढ़ाई अच्छी से हो। 9th क्लास के बच्चों को पूछ लो, आज तुम कुछ भी नहीं जानता आजकल 9th क्लास का बच्चा, और पहली क्लास जो पहले जमाने में पढ़ाई होती थी, 5वीं क्लास के बच्चे हेडमास्टर बन के बैठे हैं। कितनी अच्छी पढ़ाई होती थी, अब कुछ पढ़ाई नहीं हो रही ढंग की। तो ये तो दावा करते हैं जो कांग्रेस के काल में कुछ होता ही नहीं था, पढ़ाई मैंने ही बेहतर कर दिया। कांग्रेस सरकार 70 साल से पूरे देश को बना के आई है, हर चीज बनाया है कांग्रेस ने, तो वो चीज खत्म होती जा रही है। तो पब्लिक कांग्रेस को चाह क्यों नहीं रही, अगर ऐसा अगर है चाह रही है, बिल्कुल चाह रही है, मगर वो मौका दिया था ना मोदी जी को आगे बढ़ने का, लेकिन मोदी जी ने जो किया वो अच्छा नहीं किया। ये बोलिए देखो, मौका दिया था उन्हें कि आप सरकार बनाओ, अच्छे से देश चलाओ, लेकिन क्या देश चलाओ, कुछ देश नहीं चला रहा है, देश वो खाली हो रहा है, देश की जो करेंसी वो घट रही है, पैसा बिल्कुल घट रहा है, जीरो बैलेंस हो गया है, हमारा जो देश है वो कंगाल होता जा रहा है दिन पे दिन, सब्सिडी गिरती जा रही है हर चीज में, कुछ नहीं बढ़ रहा। अरे तुम्हें देश संभालने के लिए दिया, देश बढ़ाओ, इस चीज को आगे लेके जाओ, और हमारा देश खाली हो रहा है। अडानी अंबानी कौन होता है, अडानी अंबानी चलाएगा हमारा देश, देश मोदी जी चलाएंगे, मोदी जी को बोलो अच्छे से चलाएं, बढ़िया से चलाएं। 2024 में उनका भी होने वाला है, देखते क्या होता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तो हर घर खुशहाल था, हर घर खुशहाल था, हर चीज दवाई मिलती थी फ्री में, हर चीज वो मिलती थी, डिस्पेंसरी क्या हर चीज मिलती थी, यानी कि इन्होंने तो मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, दवा कर रहे हैं जो मोहल्ला क्लिनिक में बहुत अच्छी सुविधा है। सपोर्ट कांग्रेस के टाइम में हुआ करती जनता को। अच्छा पानी बिजली को लेकर, पानी बिजली फ्री है, फ्री है तो पहले से फ्री था, पहले से भी फ्री था, लेकिन अब ये है कि जो यूनिट आ रहे हैं वो थोड़ा कम कर दिए, और क्या वही फ्री था, जो सब्सिडी मिलती थी उसे भी फ्री था, पहले कांग्रेस के टाइम पे सब कुछ, पानी तो पहले से ही फ्री था, लेकिन जो अब बिजली के बिल आ रहे थे बीच में वो नहीं आ रहे, बस अब यूनिट फ्री हो गए। अच्छा पानी जो शीला दीक्षित के काल में जो साफ मिलता था, या केजरीवाल सरकार में पानी साफ मिल रहा है, हम तो बोरिंग का पीते हैं, हमारे सप्लाई का थोड़ी आ रहा है, हम तो बोरिंग का पीते हैं, बोरिंग भी हमारे कांग्रेस के टाइम का ही हुआ था। अच्छा सप्लाई का पानी यहाँ नहीं, सप्लाई का पानी आता है, हम तो बढ़ते हैं तो बोरिंग का। अच्छा टैंकर से पानी पहुँचाया जाता है घरों में? नल नहीं नहीं नहीं, बोरिंग 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 का आता है हमारे सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। और कुछ बोलना चाहते हैं? और क्या बोलना चाहे, मोदी जी से कहते हैं कि अब देश अच्छे से चलाओ, जो लोग आम जनता है, जो गरीब लोग हैं, उनका भी थोड़ा ध्यान करें, अडानी अंबानी को छोड़ के थोड़ा पब्लिक पे ध्यान दें, जो पब्लिक भी अपने घर में गुजारा कर सके, चार लोग खाने वाले हैं, कमाने वाला है, कहाँ से लाएगा बच्चा? हम लोग गरीब नहीं है, अडानी बिहारी वो गरीब है, वही तो गरीब लोगों का लोन तो कुछ सहारा ही नहीं है, कमाने वाला नहीं है, अडानी अंबानी को कहाँ से गुजारा करें अपन? अम्बोरी भैया हमारे दो दो महीने पेंशन हमारी जैसे हो जाती है, बच्चे बच्चों जो बुजुर्ग लोग उनकी पेंशन भी खत्म हो गई, उनकी हो रही है, दो महीने आ गया अभी तो पेंशन खत्म, गुजारा करेंगे काम कोठी में काम कर, जान बेटा गया, पोता गया, बेटी गई, तो कोई सहारा नहीं, तो कहाँ से करें बताओ? कोरोना काल में नहीं, कोरोना में नहीं, ऐसे ही गए। अच्छा ऐसे ही गए, हाँ, ऐसे तो कुछ सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं है, आदमी को 20 साल हो गए, उसकी कोई आज तक नहीं, जब सुषमा स्वराज इस बस्ती में MLA थी अभी जब, और अनिल शर्मा थे जब, उसके जमाने में मेरा पति खत्म हुआ, हमारी कोई मदद, दो पैसा ही मदद नहीं, ये बात तो मैं भी कहूंगी, मेरा आदमी परेशान था पहले ही उस बस्ती का। अरे झुग्गी झोपड़ी के बारे में बोल, हाँ झुग्गी झोपड़ी का कह रही हूँ, झुग्गी झोपड़ी आइए बस्ती उतार के, ऐसे झुग्गी झोपड़ी नारा, हमें कोई मदद ना गई आज तक, 60 साल की उम्र रह गई, आपको कोई मदद नहीं, पैसा नहीं मिली हमें, आदमी गए, बच्चे भी गए हमारे, तो
और ये झुग्गी झोपड़ी ऐसी चीज़ यहाँ कोई तक आए कोई मदद कोई किसी की करता ही नहीं है। कोई बीजेपी वाले इस पर कह रहे हैं जहाँ झुग्गी वही मकान वो लोग बना के दे रहे हैं। ठीक है देंगे तो ठीक है तो वोट में वही लिख दे फिर नगर सही करो और क्या जो झुग्गी बना के देंगे जाएंगे जाए तो वोट में वही लेंगे। हमें तो देखो सरकार मदद देंगे तो लेंगे झुग्गी झोंपड़ी वाले गरीब लोग होता है अमीर तो कोई है ना जहाँ बस ये बात है। पानी भी कभी रोड पर तो भरते थे बोरों का पानी पीते हैं हम भी कभी आता सप्लाई को तो भर लेते वो रात में 14 बजे तो पानी भर के जाता वहाँ से। और कुछ बोलेंगे बस यही है हम मदद मिलेंगे देश सरकार तो मिलेंगे यहाँ मनाड़ लेवा कहाँ जाएंगे बस यही था यही के लिए हमें तो यही के लिए जमा दे ये बात तो सही है यही बोलिए देखो हम तो कोई सरकार से गुस्सा नहीं है कुछ भी नहीं है सब अपने अपनी सरकार चलाते हैं। रहे ये झुग्गी झोपड़ी वाली बात अगर मैं बोलूंगी अगर मोदी जी ने कालका जी वालों को फ्लैट दिया तो मैं चाहती हूँ कि हमारी बस्ती को फ्लैट दे और हमारे बच्चे एड्रेस बताने में हमारे बच्चे शर्माते हैं और बोलते हैं कि कहाँ रहना है आजाद बस्ती नहीं 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 मम्मी रहन दो फिर कौन कहीं भी अगर समाज में जाते हैं हमारे बच्चे अच्छी नौकरी लेने जाते हैं अरे ये झुग्गी झोपड़ी का है स्कूलों में अरे ये झुग्गी झोपड़ी हमारे बच्चों को भेदभाव करी जाता हर जगह स्कूलों में भी स्कूलों में भी झुग्गी झोपड़ी का बच्चा है स्कूलों तक के अंदर नाम नहीं आते अगर पता चल जाए झुग्गी का बच्चा है देंगे झुग्गी झोपड़ी है तो मगर मैं ये चाहती हूँ कि हमारे बच्चों को आगे भविष्य उनके भविष्य के लिए सरकार और ये करे और हमको जहाँ मकान मोदी जी बोले वहाँ जहाँ झुकी हम मकान ये हम तो बस यही चाहते हमारे जितनी है यही चाहते महंगाई वगैरह महंगाई तो है अगर बिजली गिरी है पानी पीनी है बस तो इधर से पेट्रोल डीजल सीएनजी गैस हो गया क्योंकि मोदी जी ने भी बहुत योजना चलाई थी कन्या शौचालय थी और गैस किया था सब कुछ करा था मैं यही बोली पेट्रोल पूरा करा था उन्होंने भी फ्री करा था मगर हमको फ्री नहीं चाहिए हमको ये चाहिए कि हमारी दिल्ली बिकना नहीं चाहिए हमारी दिल्ली सुरक्षित रहना चाहिए और हमारे बच्चों के बारे में सोचे हमारे बच्चे पढ़ लिख के घर में बैठे हैं कोई कोर्स के नहीं है ना हमारे पास पैसे हैं कि हम कोर्स कराएं। अभी मेरे बेटे ने खुद का 12वीं करा मगर मैं सोच रही हूँ रात को भी बोल रही थी कल आखिरी चार कॉलेज का उसका नाम नहीं निकला तो प्राइवेट भरना पड़ेगा हमको। अब सोच रहे हैं कि क्या करना है क्या करवाना है हम बड़ा कोई नहीं कर सकते अपने बच्चों को कोर्स नहीं करवा सकते कुछ नहीं करवा सकते क्योंकि हमारे पास इतने बजट नहीं है महंगाई भी बहुत हो गई। कौन कॉलोनी के नाम कुछ है इसको आजाद बस्ती है आजाद बस्ती आर्यपुरम मोहम्मदपुर आजाद बस्ती। मैं चाहती हूँ कि हमारी कॉलोनी के लिए सुविधा हो और जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बना हो मेरी बस्ती के लिए अच्छा हो अच्छा होना चाहिए हमारे क्योंकि गली गली में शराब खुल गया नशा करते हैं बच्चे रात भर भारी रहते हैं कोई उनका समझाने के लिए हम क्या करेंगे कितना गाइड करेंगे हम 18-21 साल का 14-15 साल के बच्चे पीने लग गए पी शराब के ठेके बंद होने चाहिए गली गली में जो है वो बंद होना चाहिए जो सरकारी है तो वो तो सरकार ने चला ही रखा है गली गली को जैसे गली तो थोड़ा सा क्या नाम हुआ मुन्नी रावत मैं उत्तराखंड मगर गैस थोड़ा कम कर दीजिए सरकार को थोड़ा सा जोड़ के लगाना है और बच्चों के बारे में सोचिए हमारे तो कट गई दिन जैसे काटे नाली नोरी झोपड़ी झोपड़ी में मगर बच्चों के बारे में थोड़ा अच्छा होना चाहिए। साफ सफाई होती है क्या कभी कभी साफ सफाई वाले हाँ साफ सफाई वाले तो आते हैं साफ सफाई वाले आते हैं नाली में कूड़ा कूड़ा निकालते हैं हाँ और पानी का भी हमारे अली शर्मा ने करा था उन्होंने पानी का भी हमारे लिए सुविधा कर रखी है पानी आता है कि नहीं आता है पानी आता है और हम चाहते हैं मोदी जी से जहाँ झुग्गी मकान होना चाहिए आपको आई रहे हैं उसमें क्या भाजपा भी है कांग्रेस भी है मायावती भी है ओवैसी भी है कौन होगा निगम के लिए बढ़िया
बढ़िया किसी को नहीं आपकी बात बताएं कि पहले जिता दिए थे आज तक तो उसने दर्शन ही नहीं दिया। भगत सिंह के पास नहीं, मैंने परमिला टोकस यहाँ से तो परमिला टोकस ही जीती थी पहले भी। निगम में भगत सिंह टोकस थे ना निगम में, बोलेंगे कुछ। चलिए ओबीसी भी है, कांग्रेस भी है, भाजपा भी है, आम आदमी पार्टी भी है। कौन बनेगा नगर निगम का इस बार किंग? सत्ता पर कौन बैठेगा, कौन मेयर बनेगा? क्योंकि तीनों नगर निगम को एक जगह कर दिया गया है, 250 वार्ड पर चुनाव हो रहा है, आपके वार्ड में भी चुनाव है। बताइए, हमारा तो पहली बार वोट होगा भैया, देंगे वोट। पहली बार के वोटर के लिए तो और भी डिमांड होता है, क्या डिमांड? किसको आप वोट करेंगे? अभी देखेंगे, सोचेंगे, फिर बताएंगे। निगम में सरकार किसकी बननी चाहिए आपके हिसाब से? अभी हमारे यहाँ नगर निगम में निगम पार्षद में तो बीजेपी की है, और आगे देखेंगे, चुनेंगे जो बढ़िया होगा। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के कॉलोनी में, क्या समस्या है? हमारे यहाँ समस्या तो कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, छोड़ो। कोई समस्या नहीं है, समस्या तुम बोलो ना, मैं बोल दूँ सारी चीज। बोलो भाई, समस्या है कुछ? कोई दिक्कत है? कोई मुद्दा नहीं है? योगी योगी झोपड़ी के जो बच्चे होते हैं उनको पुलिस वाले भी ज्यादा ज्यादा परेशान करते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो गलत करते हैं उनको। अच्छा, शराब वगैरह जो ठेके खुल गए हैं जगह जगह, तो यंग लोग हम तो जी पीते नहीं है, हमें नहीं पता इसके, हम पीते नहीं, मैं आप ही पीते रहेंगे। बस ये मायावती भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है, ओबीसी भी लड़ रहा है। भाई साहब, हमने तो कांग्रेस की राज में स्कूल से भी पैसा मिलता था बच्चों को, हर तरह से सुविधा थी, पर अब तो कुछ भी नहीं, और महंगा कर दिया। राशन भी इतना गंदा मिल रहा है, गेहूँ भी इतना महंगा दे, गंदा गंदा ही खाने लायक है क्या ये बंदा? और फिर सिलेंडर इतना महंगा, बेचारा गरीब क्या लेके खाएगा? तारों को मैं चुभने जावे पैसा इतना नहीं है तो कहाँ से सिलेंडर भर पाएगी, जो एक टाइम का निकल जाए लकड़ी से चूल्हे से। मोदी जी कह रहे हैं इस बार जहाँ झुकी वहीं मकान, जैसे कालका जी ने बना के दिया है उन्होंने। कब देंगे सुनते सुनते हमारे बच्चे भी बड़े हो गए, अब तक तो दिया है ना, कह रहे घर घर राशन देंगे, वो भी ना दिया। पैसा आएगा वो क्या कहते हैं, जीरो बैलेंस, वो भी ना दिया। काला धन गरीबों को मिलेगा, अमीरों का निकाल के वो भी ना मिला। बस और क्या कुछ नहीं। 80 करोड़ लोगों को कह रहे हैं जो हम राशन दे रहे हैं, राज्य सरकार नहीं पहुंचा रही है, तो किसको दोषी आप मानते हैं? मोदी जी को दोषी। और क्या, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो स्वास्थ्य कार्ड जो बना है, यहाँ बना है नहीं बना है? राशन कार्ड, जनधन तो एक खाता हो गया, वो खुला होगा। हमारा तो खाता ही बने, जब पैसा ही नहीं है तो खाता चालू है। एक प्रधानमंत्री हेल्थ कार्ड बना है, हमें पता ही नहीं। अच्छा, जो डिस्पेंसरी पहले हुआ करती थी कांग्रेस के जमाने में, और आज मोहल्ला क्लिनिक हो गया, तो क्या अंतर आपको दिख रहा है दोनों में? पहले सही था। दवाई वगैरह पहले ज्यादा मिलती थी, आज कम मिल रही है क्या? दवाई तो मिल रही है, मगर वो वैसी दवाई नहीं है, कोई फर्क नहीं। अच्छा, पानी जो शिलादीप के काल में जो मिलता था, वो आज पानी मिल रहा है क्या? ये कांग्रेस का ही लिया हुआ पानी अब तक चल रहा है, तो फिर कांग्रेस को लोग वोट क्यों नहीं करते? करेंगे क्या, करें बेईमानी से जीतते लोग। पहले नहीं बताया जाएगा ना, अभी तो देखेंगे क्या करना चाहिए। अभी जो भाजपा के निगम पार्षद ने कुछ काम किया, बोलो सब धक्के लगवा।
मंदिर सुनते हैं, बहुत पुराना मंदिर है और अभी बहुत पुराने यहाँ के बहुत पुराना, यहाँ कोई आता नहीं, कभी भी निगम पार्षद कोई नहीं आया, कुछ नहीं करता, सब अपने चक्कर में रहते। बिल्कुल ठीक। और क्या दिक्कत है यहाँ? दिक्कत तो नहीं है, बस कोई अगर काम करवाना हो, कुछ करना हो तो कुछ कोई सुनाई नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सुनाई नहीं, कोई सुनाई नहीं। अब ये नहीं है, अब वो नहीं है, अब ये लाओ, अब वो लाओ, अब फलाने दिन आओ। अच्छा, जो मस्जिद में जो लोग हैं उनको मस्जिदों को दिया जा रहा है पैसा, लेकिन पुजारियों को पैसा कोई मतलब नहीं। अब मेरा तो मंदिर अगर रजिस्टर रहता तो आपका डिमांड होता, तब शायद कुछ मैं कोशिश भी करता, जब कोई सुनाई नहीं है तो कौन पकड़ेगा। क्या नाम है? मेरा नाम मोहन।